हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मोस्ट वेलकम है सभी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हेलो हेलो, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस कंफर्म करते हैं एक बार। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये सेशन जो है आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप से लाइव प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल फ्री सेशन है, और साथ ही साथ लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर भी लाइव है। तो आप इस सेशन को जो यूट्यूब पर है वो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करना चाहें, बिल्कुल फ्री सेशन है, जहां पर आपको पोल और लीडर बोर्ड भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेशन के बाद ऑटोमेटिक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक दी गई है, वो क्लास की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें, PANDEY पांडे कोड का प्रयोग करें और क्लास से जो है आप जुड़ सकते हैं। इवन बाद में कभी भी रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, 24 आवर्स ये क्लास अवेलेबल रहती है। चलिए, बिल्कुल अखिलेश्वर मिश्रा जी, चलिए अब शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। रॉयल अभी बुंदेल किरार, हेलो, नमस्कार शीतल, गुड इवनिंग। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, और इसके अलावा अदर एजुकेटर्स प्लस इसके साथ साथ कंप्लीट बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एमपी की पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो एमपी की पॉलिटी का प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल से। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन अपना सुनिश्चित नहीं किया, 20% का ऑफर चल रहा है, 20% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ये कोड है PANDEY, इस कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, PANDEY, ये ऑफर आज से स्टार्ट हुआ है, इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं। वेरी गुड इवनिंग, हेलो लाइव चक्र, हेलो मनीषा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और पोल भी आप सभी के सामने है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बुंदेल किरार, फॉरेस्ट का बैच प्री के लिए तो कॉमन होता है डियर, प्री के लिए कॉमन होता है, और फॉरेस्ट मेंस का बैच आपको प्री के बाद मिलेगा। आंसर क्या है इसका? 90% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर होगा इसका 1/3। कितना? 1/3 चाहिए होता है। दैट मींस आंसर क्या होगा इसका? 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको बताना है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? पोल आपके सामने है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हेलो हेलो। चलिए, जब बताइएगा जल्दी जल्दी। आंसर क्या है इसका? कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है? आंसर दिया है 69% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर होगा इसका 0। आंसर होगा इसका 0। पहले ऐसा प्रावधान था 2020 के पहले जो संविधान के अनुच्छेद 331 में प्रावधान था कि दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति, और ये शुरुआती कितने वर्षों के लिए? 70 वर्षों के लिए था शुरुआती अनुच्छेद 334 के अनुसार, जो अब 2020 में 70 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को अभी भी नॉमिनेट कर सकता है, लोकसभा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुछ जलप्रपातों के नाम दिए गए हैं और जलप्रपातों में से गलत जोड़ी आपको बताना है। ठीक है, गलत जोड़ी आपको बताना है। पोल आप सभी के सामने। दोस्तों, जो YT पर हैं, आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आकर के पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर वीडियो के जस्ट नीचे दी गई है। सिर्फ एक कोड का प्रयोग करना होगा, PANDEY, पांडे कोड का प्रयोग करके क्लास को ओपन कर सकते हैं। 53% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, चचाई तो बीहड़ नदी पर सही है, केविटी जो है महाना नदी पर सही है, बहुटी जो है ये सेलार नदी पर है। किस नदी पर? सेलार नदी पर है। तो ये आपका गलत है, और पुरवा टोन्स ये सही है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? सी, बहुटी जो है ये गलत है, बीहड़ पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, सेलार नदी पर एग्जैक्टली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी चरम बिंदु पर यानी कि चरमोत्कर्ष पर जो मुगलकालीन पेंटिंग है, मुगलकालीन चित्रकला किस शासक के शासनकाल में पहुंची थी?
हेलो देवांशी, हेलो गोविंद। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका 80% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर होगा इसका जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है गलत जोड़ी, आपको बताना है गलत जोड़ी, आपको बताना है इसमें ऑक्सीटोसिन, स्पर्मोटेम, नियोप्रीन, रेयन नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ध्यान से करेंगे केमिस्ट्री। यदि थोड़ा बहुत कभी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी पढ़ी होगी, बट यस पोल आपके सामने नॉट करेक्टली मैच्ड। लाइव चक्र कह रहे हैं मेरी क्लास बहुत स्टक हो रही है। स्टक का तो नहीं लग रहा ऐसा, कोई नहीं, लाइव चेक रहने अकेडमी की लर्निंग ऐप पर आ जाएं, बिल्कुल आपको स्ट्रक नहीं मिलेगा। आंसर क्या है इसका? 59% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। रियोन क्या है? एक फाइबर। रियोन क्या है? एक फाइबर है। सो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका डी। बाकी सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्मस फ्लास्क। हम लोग कभी कभी पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, भैया गर्म रहे ठंडी ना हो जाए, है ना, हम जैसे लोग कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है। सो आप लोग भी प्रयोग करते होंगे, तो ऐसा क्या होता है इसमें? नो लॉस और गेन ऑफ हीट। नमस्कार आनंद, मोस्ट वेलकम। पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने। लाइव चक्र फ्री क्लास है, फ्री क्लास है, प्लस पर नहीं होती, बिल्कुल फ्री क्लास है भाई, फ्री क्लास है। आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर देखिए, वीडियो के नीचे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स येलो कलर से लिखा हुआ है, उसके बाजू में लिंक दी गई है, आप इस फ्री क्लास को ओपन कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका दोनों सही है, यानी कि कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों इसमें आपका सही है, दोनों इसके प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नो लॉस और गेन ऑफ हीट। सर आप कहां से हैं? सीमेंट दिख रही है, किधर सीमेंट दिख रही है भाई? ऐसा ही आपके स्क्रीन पर पोल आता है क्या? मेरे शरीर पर इस सीमेंट दिख रही है क्या? अच्छा कमेंट है। कमेंट देखने, ओके ओके, सॉरी आई एम सॉरी, सच में मेरी इंग्लिश कमजोर है क्या? कल किसी दिन कोई तो कह रहा था कि सर आपकी इंग्लिश जो है कमजोर है, तो यस चलिए ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, पोल में दे रहा हूं। अच्छा इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश कमजोर नहीं है, ठीक है, पोल आप सभी के सामने। ऐसा ही आपके स्क्रीन पर एबीसीडी ऑप्शन आया होगा, देखिए आजकल के जो चैटिंग का जमाना है ना, वो चैटिंग के जमाने में आप आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका डी, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। आंसर होगा इसका बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वही समझ सकते हैं जो ये आईएएस कह रहे हैं ऑप्शन नहीं आ रहे, ऐसा हो नहीं सकता आईएएस कि ऑप्शन ना आए, एबीसीडी स्क्रीन पर आते हैं। अभी मैं अभी इस क्वेश्चन का दूंगा तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पोल में दे रहा हूं। किसका मजाक बना रहा हूं भाई? गुरुजी आप ही तो गुरुजी हो। चलिए पोल आप सभी के सामने, लाइव चेक करें सर ऐप पर ही। स्पेशल क्लास को ही फ्री क्लास कहते हैं लाइव चक्र। आंसर क्या होगा इसका? 49.23% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर होगा इसका बी, दैट इज एंजेला मर्केल। ये ध्यान रखिएगा कि इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, एलिस
बेलियत्स्की को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन ये जो एंजेला मेर्केल है, जर्मनी की थी पहले वाइस मीन्स वहाँ की चांसलर हुआ करती थी, सो शरणार्थियों के लिए इन्होंने अच्छा कार्य किया है ऐसा यूनेस्को का कहना है, और इसकी वजह से इन्होंने जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, फिर आप एक काम करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ऐप को अपडेट कर लें तुरंत अभी, 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में हो जाएगा, ऐप को अपडेट करें, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और एक बार अपडेट करके आएं वापस, देखिए शायद मेरे ख्याल से होने लगेगा। आईएएस आपको भी सेम, चलिए ऑपरेशन संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कश पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने, कितने परसेंट, 37.14% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर क्या होगा इसका, भारत और अमेरिका, आंसर होगा इसका डी, यानी कि भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एक्ट वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट टाइम कब जो है एस्टेब्लिश हुआ था, किस अधिनियम के तहत, और पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं और पोल रहा भैया आपके सामने, बताइए। सेवेंटी वन पॉइंट एट एट परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर होगा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1926 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1926 में, और इसके तहत जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, पोल आपके सामने। गुरुजी कह रहे हैं कि YouTube के कमेंट पढ़ रहे हो, तो आपने तो YouTube पर नहीं किया गुरुजी, आपने तो ऐप में किया है। महिमा कह रही टाइमर थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, फिर बाकी लोग कहने लगेंगे थोड़ा कम कर दीजिए। आंसर क्या है इसका, आंसर होगा इसका कांदला, कांदला पोर्ट को जो है क्या कहा जाता है इसका, दीनदयाल पोर्ट कहा के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया, 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था, पोल आपके सामने। गौरव ने 0.3 सेकेंड में आंसर दिया है, पारितोष ने 0.7 सेकेंड में, पलाश ने 0.9 सेकेंड में, तरुणेन ने 0.9, रजित ने 1 सेकेंड में। बिल्कुल टेस्ट रैली होते हैं गुरुजी, पल्लवी का सपोर्ट मिल गया महिमा को, थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, मैंने इंक्रीज कर दिया है इस क्वेश्चन में। आंसर क्या है इसका, आंसर होगा इसका शादत खां और इसके अलावा भगीरथ सिंह, आंसर होगा इसका डी, शादत खां एंड भगीरथ सिंह, दैट मीन्स आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है, पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं और पोल आपके सामने। और कच्ची कौन है महिमा, रॉयल अभी कह रहे हैं 30 सेकंड से ज्यादा टाइम है, कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, 89.33%, बहुत सही। आंसर क्या होगा इसका, 1 KB, दैट इज 1024 bytes। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मालवा ब्रांच ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, मालवा ब्रांच ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, पोल आपके सामने।
आज 40 क्वेश्चन ही करने हैं हमें। चलिए आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका नागभट्ट प्रथम। आंसर क्या होगा इसका? गुर्जर प्रतिहार वंश की मालवा शाखा का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मेगाबाइट की बात कर रहे हैं क्या रितेश साहब? चलिए इसमें से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं, और ये रहा पोल आपके सामने। कैलकुलेट कर लीजिए। ट्वेंटी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, 29 यानी कि 30% अबाउट। रेगुलेशन मेकिंग पावर, रेगुलेशन मेकिंग पावर किसमें? रेगुलेशन मेकिंग पावर आपका आर्टिकल 319 में क्या है कि भैया नियुक्ति के सॉरी सेवानिवृत्त होने के बाद पद मुक्ति के पश्चात वो अपॉइंट नहीं हो सकते, उससे संबंधित प्रावधान दिए गए 319 में। और 315 में क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। सो दैट मींस आंसर क्या होगा इसका? रेगुलेशन मेकिंग पावर जो दी गई है 318 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहां पर, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। बताइएगा, पोल रेडी दे दूं? कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है बताना है। तो करेक्ट भैया आपका ये रहा, पोल आपके सामने है। थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं सही, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है किसी ऐसे सांसद के द्वारा जो मंत्री ना हो। मंत्री बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांसद मंत्री दोनों हो सकते हैं, तो ऐसे सांसद जो मंत्री ना हो। सभी सांसद तो मंत्री नहीं होते हैं, तो ऐसे सांसद जो मंत्री ना हो, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। और आज तक 14 बार पारित हो चुका है, 14 बार कानून बन चुका है, तो ऐसा तो नहीं है। दैट मींस आंसर क्या होगा इसका? दोनों स्टेटमेंट गलत है इसमें, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन क्या है? पोल आपके सामने है। इंसुलिन हार्मोन के संबंध में आपको बताना है। इंसुलिन हार्मोन इज अ कितने परसेंट? बहुत कम लोगों ने सही दिया है भाई, पेप्टाइड। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका पेप्टाइड, यानी कि पेप्टाइड उसको कहा जाता है, मींस इंसुलिन हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, यानी कि पैंक्रियाज के बीटा सेल्स से इसका जो है स्त्रावण होता है। दैट मींस आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में कुछ विशेषताएं दी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में 15 नंबर क्या था भाई?
चलिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना है, ए फर्स्ट है एक अलिखित संविधान, एक लिखित संविधान लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश। ऑप्शंस ने आपके क्वेश्चन को, आंसर को सरल बना दिया है। पोल में दे रहा हूं, ठीक है, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और पोल आप सभी के पोल आप सभी के सामने है। कुमार कह रहे हैं हम एक सेकंड से भी कम समय में आंसर देते हैं, पर वो दो सेकंड से भी ज्यादा हो जाता है, कई बार हो जाता है कुंवर, कोई बात नहीं। हंड्रेड परसेंट आएगा इस बार पोल लगता है। वाह, क्लैपिंग कर दीजिए अपने अपने घरों में बैठे हुए सब लोग, सब लोगों को एक दूसरे को दिख जाएगा। 100% बहुत बढ़िया, कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% पे सही हुआ। आंसर क्या है इसका? यदि ऑप्शंस थोड़ा सा भी दिस वेज में 1 2 3 तीन चार को बना देता, दो दो ऑप्शन ही दिया है, थोड़ा सा यदि इधर उधर कर देता तो फर्क थोड़ा सा पड़ सकता था। आंसर क्या होगा इसका? बी, यानी कि 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हुआ भाई लाइव चक्र कह रहे हैं रजनी पटेल, हेलो नमस्कार। 15 नंबर क्वेश्चन क्या था रॉयल? अभी भाई आप सबके आंसर देखे जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सबके आंसर देखे जा रहे हैं। बताइए, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने, कोई नहीं महिमा, आप चुटकी बजा दीजिएगा। नमस्कार डिंडोरी वाले, नमस्कार शिवा शुक्ला, नमस्कार। आनंद कह रहे हैं ऐसे ऑप्शन देना चाहिए, है ना, गुड। आंसर क्या है इसका? 56% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर ऑफ इसका ए, दैट इज डेटा बस। आंसर ऑफ इसका ए, डेटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एज वेल एज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर देना है। पोल आपके सामने, स्टूडेंट ने सही आंसर दिया 44। आंसर क्या है इसका? 44%, 44.40 एग्जैक्टली आंसर होगा इसका, फिफ्थ शेड्यूल। इसमें क्या पूछा गया था? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को छोड़ करके, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम 6th शेड्यूल में, तो इनको छोड़ करके 10 राज्यों का किसमें है? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? पोल आपके सामने। रजनी कह रही है ये नहीं पता, कोई बात नहीं, जो नहीं पता है वो तो आगे क्वेश्चन करने से तो पता चल जाएगा ना। दोस्तों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ये लाइव है क्लास, जो YT के स्टूडेंट पोल में पार्टिसिपेट करना चाहें वो बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है ये। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका पावरखेड़ा कहां पर है? होशंगाबाद में। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी के होने के निम्नलिखित में से कौन सा महत्व रखता है? दैट मींस एक लिंक के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में अवस्थित है ये, और पोल में आपके सामने दे रहा हूं, ऐसा फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व के संबंध में बताना है। पोल आप सभी के सामने,
हाँ तमिलनाडु, बिल्कुल सही। आंसर होगा इसका क्या, 22.67%, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बिल्कुल मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों में उत्सर्जित और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस, पोल आपके सामने। फोर्टीन, थर्टीन, इलेवन, टेन, नाइन, एट, इज ए टाइप ऑफ टेम्पोररी वेटलैंड। बिल्कुल शिवम, आंसर क्या है इसका, 68.42% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर होगा इसका डी, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन, मार्बल का निर्माण आपको बताना है किसमें परिवर्तन के कारण होता है, पोल आपके सामने है। बहुत बढ़िया, 60%। आंसर होगा इसका क्या, 61% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। आंसर होगा इसका बी, यानी कि लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, अ पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, अ पर्सन कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, करेक्ट ऑप्शन बताना है। एक व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति रहा है वह तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र है, कोई व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल से अधिक भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता है। इसमें दो कथन दिए गए हैं और दोनों में से आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही हो सकता है, और ये रहा पोल आपके सामने। सेवेंटी एट परसेंट स्टूडेंट ने, डिंडोरी वाले आपने तो गलत दिया था, ऐसी कह रहे हैं, नन ऑफ दीज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आंसर क्या है इसका भैया, आंसर होगा इसका 76%। गुड, आंसर होगा इसका पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी, और राष्ट्रपति तुरंत चुनाव, तुरंत यानी कि राष्ट्रपति रहे दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, री इलेक्शन के लिए पात्र होता है, ऐसा प्रावधान है हमारे आर्टिकल 57 में, और कितनी बार भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई कोई रुकावट है, कितनी बार भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग इज सेड टू पोजेस द यूनिक फीचर ऑफ बींग एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेथ, दो कहां उल्लेख है, पोल आप सभी के, उल्लेख नहीं है तभी तो, पोल आप सभी के सामने। धर्म आर्टिकल 57 री इलेक्शन की बात करता है, और री इलेक्शन उसमें री इलेक्शन के लिए पात्र है, बस इतना कहा गया, इसका मतलब क्या है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी बार रह सकता है। वाई इमीडिएटली, इमीडिएटली भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। आंसर क्या है इसका, आंसर होगा इसका सी, दैट इज ताजमहल। इमीडिएटली का मतलब यानी कि तुरंत ही होना चाहिए, बाद में भी चाहे तो दोबारा भी लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एट प्रेजेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एट प्रेजेंट, रवि भाई आपने अपडेट किया था क्या, आपको ही क्यों नहीं आ रहे, आपसे पोल नाराज है क्या, अपडेट किया था क्या आपने रवि, आंसर क्या है इसका, आंसर होगा इसका डी, यानी कि हर्ष चौहान। आंसर क्या होगा इसका, डी, हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहाला इज अ सब ट्राइब ऑफ विच ट्राइब,
नहाला आपको बताना है इनमें से किसी एक जनजाति की उपजाति है और पोल आप सभी के सामने। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका डी, यानी कि कोरकू ट्राइब। आंसर होगा इसका डी, कोरकू ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट्रीज ऑफ संत तुकाराम वॉज डिवोटेड टू। संत तुकाराम की जो पोएट्री है, कविताएं हैं, इनमें से किसको समर्पित हैं? पोल आपके सामने। ट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर हुआ इसका ए, दैट मीन्स लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। इको को सुनने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए? पोल आप सभी के सामने। सुरेंद्र चौहान जयेश, हाँ जी बताइए। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। 41%। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका 17 मीटर। मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ जो इको को सुनने के लिए आवश्यक है, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं और पोल आपके सामने है। स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। नहीं, वायरस नहीं है, ब्राउजर है। वायरस नहीं है, ब्राउजर है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी, ब्राउजर है। बाकी आपके तीनों जो हैं क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर में रिजाइन बाय राइटिंग टू ईच अदर। सेकेंड है, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल में रिजाइन बाय राइटिंग टू ईच अदर। तो इसमें से बताना क्या है? करेक्ट बताना है। सुरेंद्र चौहान कह रहे हैं मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं सुरेंद्र भाई, कभी कभी हो जाता है। और पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट तो भैया ये रहा। राहुल गुप्ता कह रहे हैं पोल 15 सेकंड का कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में पोल को थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए, समय चाहिए राहुल गुप्ता। 15 सेकंड में तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएंगे। जो क्वेश्चन छोटे रहते हैं, डायरेक्ट रहते हैं, उनमें कम टाइम दिया जा सकता है। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका, यह स्टेटमेंट गलत है और यह स्टेटमेंट सही है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्हारी अभिलेख। ओके, पोल आप सभी के सामने ये रहा। श्रद्धा पांडे कह रहे हैं ये नहीं आ रहा। श्रद्धा, ये पोल अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर है, पोल यूआईटी पर अवेलेबल नहीं है। आंसर होगा इसका सी, कलछुड़ी, कटनी में है, महाराज युवराज देव का से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है चार वेदों में से किसमें जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार है, मीन्स मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। पोल आप सभी के
सामने। श्रद्धा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ये क्लास लाइव है और बिल्कुल फ्री क्लास है। कमेंट बॉक्स के ऊपर आप देखिए, वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक दिख रही होगी आपको, वो क्लास की लिंक है। सिर्फ एक कोड की आवश्यकता होगी, PANDEY, पांडे कोड का प्रयोग करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका डी, दैट इज अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मृदा जल तनाव को मापने के लिए, और ये रहा भैया पोल आपके सामने। सच में है तो पढ़े, मतलब समझ नहीं आया। किसकी बात कर रहे हैं रितेश? पीएससी का सॉल्यूशन खोजें। आंसर क्या है इसका? टेंसियोमीटर। आंसर होगा इसका डी, दैट इज टेंसियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जरूर जरूर, तब तक यही कर लीजिए उतना समय जितना समय पीएससी को देना है। चलिए बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में 3 कथन दिए गए और इस ऐसे क्वेश्चन में 15 सेकंड का पोल चाहिए, या और कम का चाहिए बताइए। फर्स्ट है, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। सेकंड है, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। थर्ड है, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए रेडी, इसमें से बताना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। और पोल आपके किधर है? आपके सामने है। किशन, अखिलेश, शिवम, माही, तरुणेंद्र, कनक, विनय, रितेश, यामुनी, पल्लवी, पलास, ग्रेशी, रौनक, श्वेता, माधव, आरती, अनु, एसआई, प्रिया, आज्ञा, डीके, कमला, धर्म, सोनाली, पल्लवी, अनुराधा, अंकिता, वैष्णवी, सोनाली, अमृता, कुंवर, आयुषी, SKY, रश्मि, चांदनी, गुरुजी, अमन, स्नेहा, साक्षी, प्रियांश, आप लोग रश्मि, परमलाल, उर्मिला, यशी, ज्योति, कंचन, सुनैना, सबने गलत दिया है ना। 33% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आंसर क्या होगा इसका? हाँ बिल्कुल, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका फर्स्ट। ये देखिए, 6 मेंबर बॉडी होती है, 6 मेंबर बॉडी, 3 जो है आरबीआई के होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये आरबीआई गवर्नर के द्वारा जो है मीन्स इसका हेड जो होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है और बाकी आपका ये सही है, रिपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगा सही वालों का नाम ले रहे हैं आप। ज्योति कह रहे हैं सर स्लाइड नहीं दिख रही, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं, बिना देखे आंसर लगा रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे लगाने से क्या तात्पर्य, बिना देखे आंसर लगाने से। प्लीज आप एक काम करें, रिफ्रेश कर लें, बैक जाएं, वापस आएं। ठीक है, बताइए मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ था? पोल आप सभी के सामने है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी, यानी कि 1962 में, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा इसमें से, बिल्कुल रितेश, जिनके यहां नेट प्रॉब्लम है उनके यहां YT क्लब क्लास में दिक्कत आ रही है, ऐसा
नेट प्रॉब्लम में तो फिर दिक्कत आएगी ही मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं ज्योति, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अच्छा कमेंट दिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं क्या? पोल में दे रहा हूं इसका, और पोल आप सभी के सामने। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका ये अलेक्जेंडर रीड था, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में गड़बड़ है, अलेक्जेंडर रीड और इसके अलावा थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस को छोड़ करके। आंसर होगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंसर्टेड। तो भैया इसमें है आपका पोल आपके सामने, ओनली अनअकैडमी क्लास में वीडियो ऑफ करने पर स्लाइड पर। अच्छा वीडियो ऑफ करने पर स्लाइड प्रॉपर दिखती है? नहीं ऐसा सभी के साथ तो नहीं होता। हाँ नेट थोड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अट्ठारह % स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है और बाकी ने कितने 61% ने बी ऑप्शन को चूज किया है। आंसर क्या होगा इसका? 338 बी और 342 ए। जिस प्रकार आर्टिकल 338 के 338 और 341, जिस प्रकार 338 ए और 342 रिलेटेड हैं, सेम उसी प्रकार से 338 बी और 342 ए इसीलिए जोड़ा गया था। यानी कि भाई ओबीसी लिस्ट कौन तैयार करेगा, कैसे तैयार होगी, किस कौन निर्धारित करेगा कि कौन ओबीसी है? तो जिस प्रकार से इनके लिए एससी और एसटी के लिए है, सेम उसी प्रकार बैकवर्ड क्लास के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 और 3 दोनों जोड़ा गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कोड ही नहीं देखा, जल्दबाजी के चक्कर में लगा दिया। चलिए बताइए, कुछ नहीं समझ आया, बस 3333। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पर है? चार देशों के नाम लिखे गए हैं आप लोगों के सामने, यदि मैप लगा हो तो देख लीजिए। हेलो सर आज जल्दी क्लास। हाँ मुझे लगा कि प्रगति आने ना पाए उसके पहले क्लास ले लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है प्रगति, 8 बजे से ये वाला सेशन 8 बजे से ही रहता है। आपका भी स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। पोल में दे रहा हूं, यदि आप लोग रेडी हैं, नहीं भी रेडी हैं तब भी पोल तो देना पड़ेगा, है ना? और पोल आपके सामने ये रहा। दोस्तों ये क्लास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर 8 बजे से रहती है, तो आप सभी लोग डेली बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और कल सिर्फ ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ही मिलेगी, कल आपको YT पर नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, तो जरूर आप ज्वाइन करें। और मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि कैसे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कितने % स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है? आंसर होगा इसका भैया 3 और 4, यानी कि लेबनान और सीरिया लगभग 21 देश ऐसे हैं जो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, उसमें से लेबनान और सीरिया है, लेबनान और सीरिया, ठीक है। तो आज 40 क्वेश्चन ही हमें करने थे, जैसे मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि 40 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। और लीडर बोर्ड में एक बार शेयर कर देता हूं, और लीडर बोर्ड आप सभी के सामने है। सुरभि ने आज टॉप किया है पुनः, बहुत बढ़िया, गुड। सुरभि आज मन बना करके आई थी क्या कि आज तो टॉप करके रहना है मुझे? बहुत बढ़िया, गुड।
गौरव 33, सुरभि के 36 सही हैं, सुरभि के 36 सही हैं, गौरव के 33 सही हैं, जय त्रिपाठी के 33 सही हैं। जय आजकल काफी शांत रहते हो भाई, क्या दिक्कत है? SS 32, चलो ठीक है। महिमा 31, परम का नाम किधर है भाई? परम का नाम नहीं याद आया। और इसके अलावा साक्षी, चांदनी, रचित, SKY, छाया, छाया दैट मीन्स सुरभि, एम आई राइट? चलो कैसी हो सुरभि, काफी दिनों के बाद आई हो, शायद साल भर बाद मेरे ख्याल से, है ना? अरे सर, दिमाग से पूरा डेटा फॉर्मेट हो गया, कोई बात नहीं। जय एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा कभी कुछ सिखाता भी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है बड़े पद के लिए बने हो, बट एनीवे हम समय से सीखते हैं, कोई नहीं जानता, ना मैं जानता ना कोई दूसरा जानता। पर जहाँ तक मैं समझ पाया था तुमको, इवन मिलने के पहले भी, जब लाइव क्लास लेते थे उसके पहले भी मुझे ऐसा लगता था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, चिंता मत करो। सब फॉर्मेट भी यदि हुआ है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? परम का पता नहीं है कहाँ पर है। ओकेश, इसके साथ साथ सुरभि, आपका आपने अभी मेंस देना है क्या 2020 वाला, आपको 2021 वाला? रितेश, हम लोगों से नहीं पूछे कभी, रितेश ऐसा कब हुआ मैंने आपसे नहीं पूछा, हमेशा आपसे बात होती है। सुरभि कह रही हैं आई एम यूपीएससी स्टूडेंट, ओके सुरभि, कोई बात नहीं, कभी कभी MBPSC वो भी निकाल लेते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली ठीक है, अच्छा है, आप लगे रहिए, कोई भी आपको ऐसा लगे, कोई भी दिक्कत हो तो कम्युनिटी पर आप मैसेज कर सकती हैं, MPPSC में जो भी आपको लगे। गुड इवनिंग रश्मि, गुड इवनिंग। मेरे बहुत कम आए। महिमा, क्यों आज क्या हुआ भाई, आपके कम क्यों आए? हाथ की वजह से? कल का क्लास का टाइमिंग बता दो। क्लास 8 बजे से ही रहती है, वही 8 बजे का टाइमिंग, पिछले 3 साल से 8 बजे ही टाइमिंग है इस क्लास का, फुल सिलेबस टेस्ट का। अच्छा, 2021 का मेंस देना है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है सुरभि। इंटरव्यू ओवर हुआ है यूपीएससी का? ओके ओके ओके, ठीक है, गुड। फ्री दूंगी, ओके। 10 बजे वाला आज सेशन नहीं है, 10 बजे वाला सेशन नहीं है, मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी। चलो, मतलब 2021 में मेंस काफी लोग दे रहे हैं, उस बैच से, उस टेस्ट सीरीज से जो हम लास्ट सेशन हम लोगों ने किया था, उससे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट ने काफी लोग दे रहे हैं मेंस। और जय का रुक गया, वो थोड़ा सा जरूर रहा, अदरवाइज उस टेस्ट में जो भी लगभग टॉप करते थे, जो भी स्टूडेंट उस टेस्ट में टॉप करते थे वो लगभग सभी हैं। और एक वही जय ही है जिसकी फर्स्ट रैंक आती थी, वो जय को तो मेंस देना है ना, वो कैसे नहीं, उसको तो देना है, आई एम सॉरी। चलो, उसने रास्ता अलग नाप लिया था, बाकी जय को भी मेंस देना है, ओके गुड। और हाँ, देना है, मैं भूल गया था एक्चुअली तुम्हारे बारे में, तुमने ही मुझे वो कर दिया था, तो मैं तुम्हारा पता नहीं दिमाग से निकल गया था। सर, मैंने अभी एक बार और अपडेट कर लिया, चलो कोई नहीं, रवि आएगा, पोल आएगा, पोल की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिली मिस्टेक हो गई, सिल्की मिस्टेक हो गई, सिल्की मिस्टेक, ठीक है, सिल्की मिस्टेक। आज मेरे पास आपका नोटिफिकेशन भी आया था, सब कुछ आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और 8 बजे से इस सेशन को आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, इस सेशन को 8 बजे से आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, और ये दिल्ली का टाइमिंग है 8 PM पर, तो आप सभी मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल फ्री सेशन है। PANDEYS कोड का प्रयोग करना होगा आपको सिर्फ क्लास को ओपन करने के लिए, और इवन आप चाहें तो अभी भी जा करके आप रात में भी, दिन दोपहर सुबह शाम कभी भी देख सकते हैं, यदि लाइव किसी कारणवश से ना ज्वाइन कर पाए
तो ये क्लास हमेशा रहेगी, पीडीएफ भी क्लास के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉलो जरूर कर लेंगे। जो लोग अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। गोल अपना सेलेक्ट करेंगे एमपीपीएससी, गोल अपना क्या सेलेक्ट करेंगे, गोल अपना सेलेक्ट करेंगे एमपीपीएससी। और इसके बाद इस गोल को सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, सो प्लीज एक बार फॉलो जरूर कर लेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 20% का ऑफर, तो 20% का डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए सेम कोड आपका PANDEY, इस ऑफर का फायदा आप सभी लोग उठा लें और अपना डिस्काउंट के साथ अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कह रहे हैं सर, ओनली वन क्लास डेली, नहीं एक क्लास नहीं होती डेली भाई, मल्टीपल क्लास होती हैं। राहुल कह रहे हैं सर पिछले इयर्स की तरह ऐप पर आप हर यूनिट का अलग अलग टेस्ट लेंगे क्या? हाँ लूंगा, बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा, अभी नहीं हो पा रहे थे एक्चुअली, मैं 1 तारीख से सोचा था कि 1 से ले लूंगा बट नहीं हो पाया, बीच में थोड़ा सा हेल्थ भी डाउन हो गया, बट होपफुली मैं 15 से स्टार्ट कर दूंगा जिससे एटलीस्ट 1 महीने तो हो सकें, है ना। ओके सो और ये हाँ ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आप सभी के लिए यूनिट नंबर 5A का, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का, तो सभी लोग आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13 अप्रैल से ये कोर्स होगा, बायलिंगुअल कोर्स होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया सब्सक्राइब करके अपना सुनिश्चित कर लें, ठीक है। हेलो हेलो सुरेंद्र, हेलो, लेट हो गए आप, है ना। सुरेंद्र चौहान, अच्छा इधर से आप आ गए, इधर गया, नमस्कार। रॉयल अभी 10 बजे वाली क्लास रहेगी क्या? नहीं आज 10 बजे वाली नहीं रहेगी, मैंने अभी बताया ही। हर्ष सिंह कह रहे हैं 2021 का मेंस देना है, ओके। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको मेंस हेल्प चाहिए तो जरूर बताएं, ठीक है। एजुकेटर कम्युनिटी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।